सत श्री अकाल दोस्तों, मैं स्नेहा द वीजा ऑफिस तो एक बार फिर हाजिर हुई हूँ कैनेडा टूरिस्ट वीजे दिया लेटेस्ट अपडेट्स लेके। सो इस मंच के थ्रू मेरी पूरी कोशिश होंगी जो भी लेटेस्ट अपडेट आवे मैं तेरे तक प्रोवाइड करवाऊँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सैक्शन के कमेंट कर सकते हो। सो आज का टॉपिक बहुत ही खास है कि अगर असि टूरिस्ट और विजिटर वीजे ते कैनेडा जाने तो साडा वर्क परमिट कन्वर्ट हो जूगा। सो नो डाउट रूल्स चेंज होए बट बंद नहीं होए, क्योंकि देखो सारे नु ए लग रहा है क्योंकि स्टडी वीजे दे बहुत रूल्स चेंज होए आ, बट टूरिस्ट और विजिटर वीजे ते हुन ओदा इंपैक्ट नजर आना शुरू हो गया। नवे रूल्स ओ आने वाले टाइम च होर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट जो रीसेंट रूल जड़ा वर्क परमिट नु लेके आ ओ चेंज होया, वर्क परमिट बंद नहीं होया। बेसिकली की सीगा कि लॉकडाउन तो पहले भी यही प्रोसेस सीगा कि तुहानू जड़ा वर्क परमिट लेना पैंदा सी ओ फ्लैग पोल दे थ्रू लेना पैंदा सीगा, बट ओ तो बाद लॉकडाउन करके ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। बट हुन उन्होंने अगेन जड़ा हैगा वा उन्हों बंद नहीं किया, तुसी फ्लैग पोलिंग दे थ्रू अपना जड़ा हैगा वो वर्क परमिट कन्वर्ट करा सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिन्होंने टूरिस्ट और विजिटर वीजा अप्लाई करना और उठे दी सेटलमेंट ली सोच रहे हैं तो स्टिल पॉसिबल है। हाँ, आने वाले टाइम दे विच की रूल्स आंदे हैं क्योंकि डे बाय डे यू नो दैट एस सेम सिचुएशन की कैनेडा दी चल रही है। बट एक चीज मैं कह देती है कि जो तुसी जेन्युइन कैनेडा का टूरिस्ट और विजिटर वीजा लेता हूं तो 10 साल का ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਵੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਸੋ ਮੋਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ 9410 9410 ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।